दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले डबल एस वर्सेस सीपी के बीच में होने वाले आज के आखिरी इजले तीतन मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितना ओवर बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच का, आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग इलेवन क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, दो से तीन रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच में जीएल में पैसे कमाने में मदद करके दे पाएंगे, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम में जीत सकती है, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, ये जो मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा ये एक हमारे एनालिसिस बेस की 11 प्लेयर्स की टीम होगी। मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने के बाद मुझे कोई भी चेंज करना होगा तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके लिए ज़रूरी भी है, आसान भी, एकदम फ्री भी रहने वाला है। फ्री की चीज़ को बिल्कुल ही मिस मत करना, 70,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले ही से फ्री में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाना। आगे आने वाले मैचेस मैं यहीं पे कवर करने वाला हूँ, जैसे आईपीएल मैच हो गए या फिर 10 ओवर वाले लेवल के मैचेस हो गए, उसके अलावा मान लो कि किसी मैच की मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं भी बना पाऊंगा उस मैच में भी अगर मैं अपने पैसे लगा रहूँगा तो उसकी भी फाइनल टीम आपको आखिरी के 5 मिनट में यहीं पर भेज दूंगा। तो ज्वाइन जरूर हो जाना क्योंकि आगे मैचेस को मैं यहीं पर आपके लिए कवर करूँगा, अपनी फाइनल टीम आपको यहीं पर भेजूँगा। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी वीडियो के टाइटल को आप क्लिक करोगे तो सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन में पहुंचोगे, सबसे ऊपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा जिसको आप क्लिक करके या फिर टच करके आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक का क्लिक करोगे या फिर टच करोगे आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचोगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूँगा, जो मैच है मुझे लगता है डबल एस की टीम को जीतने के चांसेस ज्यादा है। डबल एस की टीम ने आखिरी के 5 में से 3 मैच अपने जीत करके रही है, 2 मैचेस अपने हार करके आ रही है। सामने सीपी की टीम ने इस सीजन में जो अपने आखिरी के 5 मैचेस खेल रखे 4 मैच अपने हार करके आ रही है, 1 मैच अपना जीत करके, यानी कि काफी कमजोर टीम है। आपको यही कहूंगा कि डबल एस के प्लेयर्स को हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ये जो मैच होने वाला है आपको ग्रेनेडा के स्टेडियम के ऊपर होने वाला है, जहां का एवरेज स्कोर आपको करीब करीब 94 रन करीब का आखिरी के 5 मैचेस के अंदर देखने को मिला हुआ है, यानी कि बल्लेबाज यहाँ पे कई बार अच्छा कर दे रहे हैं, लेकिन जो भी बॉलर अगर आपको लग रहा है कि एक या फिर एक से ज्यादा विकेट लेकर के दे सकते हैं आप उनके ऊपर रिस्क लेकर के चलना जरूर। सबसे पहले एल अहदवाद जो कि सीपी की टीम ओर से आखिरी के ओवर में बॉलिंग कर रहा है, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करे, एक जरूरी बॉलर रहेगा। एस लुइस एक ऐसा प्लेयर जो कि इकोनॉमिकल बॉलर है ही है, प्लस इस सीजन में कई बार काफी अच्छी बॉलिंग भी करके दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, किसी भी मैच में फ्लॉप नहीं हुआ, देख सकते हो हर मैच इसको एक एक विकेट मिला हुआ है 3 के 3 मैचेस में, और आखिरी वाले मैच में बिना विकेट लिए भी इसने 20 पॉइंट्स दिला दिए हैं, तो प्लेयर काफ़ी अच्छा है, मैं लेकर के चलूंगा जरूर। जे एस टी पॉल की बात करूँ, नाम भले इसका बॉलर्स में है लेकिन कई बार आपको बल्लेबाजी में भी रन्स बना करके दे सकता है, बल्लेबाजी में आपको 6 रनों पर आ जाएगा। आखिरी मैच में भी इसने बल्लेबाजी में रन्स बनाया, बॉलिंग से फ्लॉप हुआ, उससे पहले वाले मैच में भी डबल सी की टीम के खिलाफ इसने बल्लेबाजी में रन्स बनाया और बॉलिंग से भी यहाँ पे इसको 2 विकेट मिल गए, तो प्लेयर काफी शानदार है, बल्लेबाजी बॉलिंग कहीं ना कहीं से आपको अच्छा करके दे देगा, तो जे एस सी पॉल भी आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रहने वाला है। डी सीरस की बात करूँ, ये भी 2 ओवर पूरा करेगा, जे टेलर कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, जे बदी को भी ज्यादातर मैचेस में मौका नहीं मिल रहा है, डी अलेक्जेंडर कई सीजन में इसका नाम ऑर्डर्स में रहता है लेकिन इस समय इसका नाम बॉलर्स में है, वहां पर भी इसको बॉलिंग मिल ही नहीं रही है। आखिरी मैच में इसने सिर्फ 2 बॉल बॉलिंग किया, उससे पहले वाले मैच में भी इसने 1 ही ओवर बॉलिंग किया हुआ, शुरू के मैचेस में इसको मौका मिला लेकिन उस मौके का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाया, तो ये समय से कोई भी इतना अच्छा प्लेयर नहीं रहेगा। अगर आपको रिस्क लेना है ना तो डी सीरस के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, जो कि डबल एस का बॉलर है, 2 ओवर बॉलिंग भी पूरा करके देगा और डी सीरस जो है शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करेगा, जैसे कि पहला और तीसरा ओवर शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करेगा, आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रहेगा। अगर आप मिनी जीएल या फिर मेगा जीएल की टीम बना रहे हो जहां पर लाखों लोग खेल रहे हैं वहां पर आप डी सीरस के ऊपर रिस्क लेकर के चल सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं अपने ऑर्डरिंग ऑप्शन है, आर जॉन नाम भले इसका ऑर्डर्स में है लेकिन मेनली जो है बॉलर है, बॉलिंग से आपको 2 ओवर पूरा करेगा, बल्लेबाजी में 7 नंबर पे आएगा, कई बार आपको 10-15-20 रन बना करके दे सकता है, बाकी इससे ज़्यादा आपको इससे उम्मीद नहीं करके चलना है। आखिरी मैच में फ्लॉप हुआ है लेकिन उससे पहले के 2 मैचेस में लाइन से काफ़ी अच्छा करके आया हुआ है, यहाँ पे भी इसको 1 विकेट मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गए। अब पहले वाले मैच में बल्लेबाजी में थोड़ा सा रन बनाया, बॉलिंग से इसको कुछ भी नहीं मिला, आखिरी वाले मैच में भी बॉलिंग से कुछ नहीं मिला, बल्लेबाजी में ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप ही जाएगा, जो भी करेगा मेनली बॉलिंग से ही करके देगा। उसके बाद यहाँ से आर विलियम्स आखिरी मैच में इसने 2 ओवर बॉलिंग पूरा कर दिया जहाँ पर इसको 1 विकेट मिल गया,
उससे पहले वाले मैच में इसने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, यहाँ पर भी इसने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, यहाँ पर इसने एक ओवर बॉलिंग किया, वहाँ पर भी फ्लॉप हो गया। बल्लेबाजी में कहाँ पे आ रहा है, फोर दवा पे आ रहा है। देखोगे यहाँ पर भी बल्लेबाजी से फ्लॉप हुआ, यहाँ भी फ्लॉप हुआ, यहाँ भी फ्लॉप हुआ। सिर्फ पहले मैच में गलती से 105 पॉइंट्स दिला के बल्लेबाजी से। बॉलिंग से देखोगे यहाँ पे मौका ही नहीं मिले दो मैचेस में, यहाँ पे एक ही ओवर बॉलिंग मिला, फ्लॉप गया। आखिरी मैच से दो ओवर पूरा मिल गया जहाँ इसको एक विकेट भी मिल गया, यानी कि ओवरऑल चार में से तीन मैचेस में इसको कहीं ना कहीं से परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है ना, कहीं ना कहीं इसको मौका मिला है, वहाँ पर इसने परफॉर्मेंस भी करके दिया है। मैं ले करके चल रहा हूँ, बल्लेबाजी में भी फोर पे आ जाएगा, बल्लेबाजी में भी एक मैच लंबा खेल करके अपने आप को प्रूफ किया हुआ है, और बॉलिंग से भी आखिरी मैच में दो ओवर पूरा किया। एम नारायण प्लेयर का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, प्लेयर के पास एक्सपीरियंस लेवल काफ़ी अच्छा है, प्लेयर का नाम बड़े लेवल का है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँ कि नारायण एक ऐसा प्लेयर है जो कि कभी भी आपको अच्छा करके दे सकता है। बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज़ का पूरा पूरा मौका मिल रहा है, बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा कर रहा है, बल्लेबाजी में भी आपको तौ पर तौ पर आ जा रहा है। तो प्लेयर काफ़ी अच्छा, कभी भी बस मौका थोड़ा सा मिल जाए वहाँ पर काफ़ी अच्छा करके दे सकता है। सी दुंगन की बात करूँ, आखिरी मैच है, भले इसने दो ओवर बॉलिंग करके इसको तीन विकेट मिल गए है ना डबल जी की टीम के खिलाफ, लेकिन उससे पहले वाले मैच में इसने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, देख सकते हो सिर्फ चार बॉल बॉल किया। उससे पहले वाले मैच में इसने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं यहाँ पे नहीं किया, एक बॉल भी नहीं किया। उससे पहले वाले मैच में बॉलिंग मिलाए, एक ओवर बॉलिंग किया, फ्लॉप किया, यानी कि ओवरऑल मिलाकर के यहाँ पर इसने एक ओवर बॉलिंग किया पहले वाले मैच में, एक ओवर बॉलिंग मान लो कि यहाँ पर किया हुआ है, और दो ओवर बॉलिंग आखिरी मैच में किया हुआ है, यानी कि ओवरऑल इसने जो इस सीजन में चार मैचेस खेल रखा है वहाँ पर इसने चार ही ओवर बॉलिंग किया है। तीन मैचेस में फ्लॉप गया, एक मैच ऐसा गया जहाँ पर इसको तीन विकेट मिल गया, यानी कि चार मैच में चार ओवर बॉलिंग करके इसको तीन विकेट मिला हुआ है। तो अगर सीपी की टीम पहले बॉलिंग कर रही है ना, पहले बॉलिंग कर रही है, तो सी दुंगन को लेकर के चल सकते हो, क्योंकि इनके पास कोई बॉलर्स नहीं है। देखो एम नारायण दो ओवर करेगा, सी दुंगन दो ओवर बॉलिंग करके देगा, यहाँ से एल अहदवाद दो ओवर बॉलिंग करके देगा, उसके बाद यहाँ से एस रगीस कई बार एक ओवर बॉलिंग कर रहा है, यहाँ से जे ओलाइव आपको कई बार बॉलिंग करके दे रहा है, दो ओवर पूरा कर रहा है, यानी कि जे ओलाइव हो गया, एम नारायण हो गया, ये दोनों दो दो ओवर बॉलिंग करेंगे ही करेंगे, यहाँ से एल अहदवाद दो ओवर करेगा ही करेगा, छः ओवर इनके कन्फर्म है। बाकी बच्चों जो चार ओवर है ना, दो ओवर से ही दुंगन करेगा और एक ओवर से ही कई बार एस रगीस कर रहा है, और एक ओवर बचा हुआ यहाँ से जे टेलर करके दे रहा है। दी टाइसन को प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं गया, बाकी अगर ये खेलेगा तो कई बार आपको एक एक दो दो ओवर बॉलिंग करके दे सकता है, बाकी कोई इतना भी अच्छा प्लेयर है नहीं, बाकी ऐसा कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इनके पास बॉलर्स नहीं है, तो सी दुंगन बॉलिंग करेगा ज़रूर, और ज़्यादातर मैचेस में बॉलिंग कर रहा है, और यहाँ पे भी बॉलिंग करने का पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अगर सीपी की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, आप इसके ऊपर रिस्क लेकर के चलना ज़रूर, लेकिन वहीं अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो लेकर के चलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इसको एक ही ओवर मिले या फिर वो भी ना मिले, मैच पहले ही ख़त्म हो जाए। ऐसा रॉकीज जो कि कई बार एक एक ओवर बॉलिंग कर रहा है, बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आ रहा है, ज़रूरी प्लेयर रहेगा। सी यहाँ से मलोनी बल्लेबाजी में तीसरे पर आ रहा है, सिक्सर किंग प्लेयर है, कहीं ना कहीं कभी भी लंबी पारी खेल करके दे सकते हैं, कभी भी लंबा चौड़ा 70-80 रन भी बना करके दे सकते हैं। नेत्रम एक ऐसा प्लेयर जो कि एक ही तो मिस वाला प्लेयर रहेगा, चला तो लंबा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, बल्लेबाजी में तीसरे पर आएगा। और वही हुआ इस सीजन में चार मैचेस में से तीन मैच में फ्लॉप हुआ है, एक ही मैच में इसने काफ़ी अच्छा खेला, आठ बॉल पर 21 रन। अगर ये वापस फॉर्म में आ जाए ना, तो कभी भी आपको 40-50 रन सिर्फ 10 से 15 बॉल पे बना करके दे सकता है। प्लेयर काफी अच्छा है, कई सीजन में इसका नाम विकेट कीपरों में आता है, लेकिन इस सीजन में मालूम नहीं क्यों फ्लॉप जा रहा है, लेकिन प्लेयर अच्छा है तो मैं लेकर के चलूंगा जरूर। बाकी यहां से कोई भी बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिना कुछ भी सोचे आपको यही तीनों को लेकर के चलना है। विकेट कीपिंग सेक्शन है, एनएससी हिलेरे को लेकर के चलूंगा, प्लेयर काफ़ी शानदार, हर मैच आपको रन बना रहा है, ऐसा विकेट कीपर भी खेल रहा है। जी जे बेंजामिन की बात करूँ, एक ऐसा प्लेयर जो कि कभी भी 70-80 रन भी बना करके दे सकता है, 30 दिन के मैच में इसका एवरेज भी काफ़ी शानदार है, करीब 30 से भी ज़्यादा का एवरेज है 10 ओवर के मैच में। तो प्लेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, पहले मैच में फ्लॉप, दूसरे में काफ़ी लंबा खेला, तीसरे में भी फ्लॉप, और आखिरी मैच में भी फ्लॉप हो गया। तो चार में से तीन मैच में फ्लॉप हुआ है, लेकिन कभी भी अच्छा खेल के दे सकता है, मैं लेकर के चलने वाला। अब ये हमारे लिए हो गई सारे एप्लीकेशन के लिए टीम, मान लो किसी आप ऐसे ऐप का खेल रहे हो जहाँ पर आप एस नेद्रम को ना लेकर के सी दुनकन को लेकर के चल सकते हो, इस तरीके की टीम बना करके चल सकते हो।
तो ये हो गया आपके लिए दी इलेवन ऐप के लिए, अलेवन चैलेंजर्स के फ्लैक्सी मोड के लिए, जहाँ पर आप अपनी पसंदीदा टीम बना करके खेल सकते हो। लेकिन अभी मैं धुनकन को ना लेकर के मैं नेत्रम को लेकर के चलने वाला हूँ। कैप लेकर के चलूंगा, दो तीन अच्छे प्लेयर रहेंगे जिनमें पहला नाम है यहाँ पे आर जॉन भी एक अच्छा प्लेयर है, आर विलियम्स भी एक अच्छा प्लेयर है, और एनएसटी हिलेरी और यहाँ से जे बेंजामिन, ये चारों प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं। जेएससी पॉल भी एक अच्छा प्लेयर है। ये पाँचों प्लेयर्स को एज अ केवीसी आप लेकर के चल सकते हो। मैं सोच ये रहा हूँ कि एनएसटी हिलेरी को कैप लेकर के चलूँ, आर विलियम्स को एज अ वीसी, या फिर आर जॉन को एज अ वीसी लेकर के चला जाए। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है। मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने के तो मुझसे कोई चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम सर्व आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पे ज्वाइन होने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे आप इनके हुआ लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक का क्लिक करोगे या फिर टच करोगे फ्री में ज्वाइन हो जाओगे, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए फ्री का लाल बटन, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।